मैं नहीं जानता कि आपका सपना क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि आपका सपना पूरा करने के कामों में कितना निराश हो गए हैं। मगर आप जो सपना देख रहे हो कि वो संभव है, शायद आपको वो पहले से ही पता है। बहुत ही मुश्किल, बिल्कुल आसान नहीं है। सपना को प्राप्त करने के कामों में आपको असफलता होगा, दर्द होगा, निराशा होगा। ऐसे भी क्षण होंगे कि आप खुद पर शक करते हैं, भगवान से पूछे क्यों मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो सिर्फ अपने बच्चे और माँ की देखभाल के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी चोरी या लूटने की कोशिश नहीं कर रहा, तो ये मुझे क्यों हो रहा है। शायद आप बहुत कठिनाइयां सह चुके हैं। अपने सपने को मत छोड़िए। मुश्किलें तो आएगी, लेकिन वो रहने के लिए नहीं, जाने के लिए है। महानता ऐसी कोई चीज नहीं है कि केवल देवता की तरह विशेष आदमी को ही मिलता है। वास्तव में ये कुछ चीजें हैं जो सब में मौजूद है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको आप पर विश्वास रखना होगा। बहुत से लोग एक परिवार को बढ़ाते हैं, एक जीवन कमाते हैं और मर जाते हैं। वे आगे बढ़ना रुक जाते, खुद पर काम करना बंद करते, आगे बढ़ने के लिए खुद पर जोर डालना रोक देते। बहुत से लोगों को शिकायत करने की आदत पड़ गई, लेकिन अपनी स्थिति के बारे में कुछ भी करना नहीं चाहते। और ज्यादातर लोग अपने सपने के लिए काम नहीं करते, लेकिन ऐसा क्यों? वो डर जाते विफलता, क्या मेरे कामों से विफलता होगा? और सफलता, क्या दूसरों को सफलता होगी? तो ये लोग जोखिम नहीं लेते। आप अन्य लोगों से इतना समय बिताया है, और ज्यादा समय तो इसलिए कि वो आपको पसंद करें। आप इन लोगों को इतना समझा है कि आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप उनके साथ रहना, उनकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आप इतना समय उन पर खर्च करे हैं कि आप नहीं जानते कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें अपने आप से समय बिताने के लिए चुनौती देता हूँ। आपको सच में अपना सपना पूरा करना है तो ये बहुत आवश्यक है कि कायर, हार मानने वाले लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालो। लेकिन जो लोग अपने सपनों की दिशा में चल रहे हैं, जीवन के अर्थ उनको विशेष प्रकार का है। जब आप सही व्यक्ति बन जाते हैं, तो आप अन्य लोगों से खुद को अलग करने के लिए शुरू हो जाते हैं। आप ये जानना है कि हर कोई यह नहीं देखता, हर कोई यह नहीं जानता कि आप सबकी तरह नहीं है। आप सबसे अलग, अपने सपनों को साकार करने के लिए जो भी काम करना है, किसी भी मुश्किल को सहना है, आप हार नहीं मानते। आपको सफलता की भूख है, आपको जब तक सफलता नहीं मिलेगी आप नहीं रुकते। जब आपको निराशा आएगी, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, भले मेरे लिए कोई नहीं देखता। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरा कितना भी बुरा हाल हो जाए, मैं ये कर सकता हूँ। मैं यही मानता और विश्वास रखता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी त्याग कर सकता हूँ। आप में से कुछ लोग बेहतर बनना चाहते हैं। मैं एक इंजीनियर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, लेकिन आप नहीं बन सकते। आप नहीं बन सकते जब तक आप अपने मन में विश्वास रखते हैं। आप अपने के लिए समय दे, कुछ देर अकेले रहने में समय दे, जब तक आप तुम बन सकते हो। जब तुम बनोगे, आप अपने को दूसरे से अलग करो। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप खुद को ऐसा बनाए कि कोई दूसरा आपको कोई परेशान या आप उनको परेशान ना करें। क्यों? क्योंकि आप प्रति मिनट उनको खुश रखने का चिंता छोड़ दें। क्योंकि आप अपने सपने के लिए प्रयास करें और वो समय यहाँ लगाए अपने कामों को बेहतर बनाने के लिए। क्या आप अभी भी अपने सपने के बारे में सोचते हैं? क्या आप अभी भी अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया? मैं कहता हूँ अभी वो समय है कि आप अपना पहला कदम उठाएं। आप अपने माता पिता को गर्व कर सकते हैं, अपने अध्यापक और स्कूल को गर्व कर सकते हैं, आप जीवन के लोगों को गर्व कर सकते हैं, और कभी पहले जैसा नहीं होगा। क्योंकि आप इस दिशा में आए, अपनी कठोर परिश्रम करके, अपनी मेहनत से आए हैं। आप किसी को अपने सपनों को चुराने मत देना, चाहे आपको कोई स्वीकार मत करे।
या किसी ने कहा आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और आपको धोखा दिया हो। शायद कोई आप में नहीं मानता, आप बार बार सफलता होते रहे, फिर भी आप अपने सपने को देखते हुए हर दिन आप खुद को बोलते रहे कि कुछ खत्म नहीं हुआ जब तक मैं जीत नहीं जाता। आप अपने सपने को जीवित कर सकते हैं।